हाय एवरीवन दिस इज़ विक आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम फूड चेन्स और फूड वेब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरह से पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी फ़्लो करती है यूजुअली ये फूड चेन और फूड वेब के थ्रू ही होता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके साथ ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं कंज्यूमर प्रोड्यूजर्स कंज्यूमर्स लेकिन यहाँ पर हम पिरामिड्स जो हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे देखिए एज आई ऑलवेज से टुगेदर वी कैन मेक ह्यूज डिफरेंस तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं पी लेकिन आपको मेरे सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे अपलोड करना बहुत आसान रहता है तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम राइट चलिए अब हम ये टॉपिक का डिस्कशन शुरू करते हैं बहुत लंबा टॉपिक नहीं है और इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बेसिक है यूपीएससी के लिए ये फाउंडेशन है एक किस्म का जब आप, आपको पूरे तरीके से आगे मिनरल साइकिल्स बायोजियो केमिकल साइकिल्स समझनी है तो ये बेसिक आना बहुत ज़रूरी है ओके फर्स्ट लाइन में पढ़ती हूँ आपके लिए द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप कंज्यूमर इज कॉल एनर्जी फ्लो टॉपिक का नाम क्या है एनर्जी फ्लो कि एनर्जी जो है वो किस तरह से फ्लो करती है इको सिस्टम इको सिस्टम मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे राइट right? तो रिपीट नहीं करते हुए बताती हूँ कि इको सिस्टम जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं बायोटिक फैक्टर्स से ए बायोटिक फैक्टर्स से वहाँ पे एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है अब यहाँ पे प्रोड्यूसर्स से शुरू होता है प्रोड्यूसर्स हम किसको बोलेंगे जो अपना खाना खुद बना पाते हैं यानी प्लांट्स ओके तो प्लांट्स से जो कि प्रोड्यूसर हैं टॉप कंज्यूमर्स तक जो कि लास्ट पूरा कंज्यूमर तक जाएगा यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल तो आपकी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है टू अंडरस्टैंड द एनर्जी फ्लो थ्रू द इको सिस्टम वी नीड टू स्टडी अबाउट ट्रॉफिक लेवल्स और इस एनर्जी फ़्लो को अगर हमें समझना है हमें जानना होगा कि ट्रॉफ़िक लेवल्स क्या होते हैं और उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं किस तरह से ये पूरा सिस्टम यूनी डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो वर्क करता है अब ट्रॉफिक लेवल वर्ड आया है इसको अंडरलाइन कर रही हूँ देखिए ट्रॉफिक लेवल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम तो ट्रॉफिक लेवल से डरने की जरूरत नहीं है नॉर्मल एक लेवल ही है जो बेसिकली हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें कि एनर्जी फ्लो किस तरीके से यूनिडायरेक्शनल है तो किस तरीके से हो रहा है द ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द पोजिशन इट ऑक्यूपाइज इन फूड चेन तो फूड चेन में कोई ऑर्गेनिज्म किस लेवल पे है किस पोजीशन पे है ये उसका ट्रॉफिक लेवल ही हमको बताता है आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से एक बार पढ़ लीजिए ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन डील्स विद हाउ द मेंबर्स ऑफ इकोसिस्टम आर कनेक्टेड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल नीड्स ये सारी बातें आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स पर हो रही हैं खाने को लेकर हो रही हैं एक ऑर्गेनिज्म यानी एक मेंबर दूसरे मेंबर से कैसे कनेक्टेड है ये सब इसमें जो इंटरेक्शन है ये हमें ट्रॉफिक लेवल को पढ़ते हुए ही पता चलता है अब इस पिक्चर में देखिए जैसे मैंने आपको बताया जो ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स अपना खाना खुद बना लेते हैं एकदम तो सिंपल सी लैंग्वेज में उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स तो ये आपका एक ट्रॉफिक लेवल आ गया आगे हम ट्रॉफिक लेवल अलग से पढ़ेंगे लेकिन एक बार आप ये देख लीजिए ये स्टेप्स देख लीजिए पहले स्टेप में आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर्स इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो इसी पिक्चर को पहले आप देखिए प्लांट्स हैं जितने ये सारे क्या हैं प्रोड्यूसर्स याद रखिएगा क्योंकि सोलर एनर्जी ये लोग ट्रैप कर रहे हैं और इससे खाना सिंथेसाइज कर रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट सी अगर आप देखें तो हम बोल रहे हैं क्या है प्राइमरी कंज्यूमर्स इसको ऐसे भी लिखते हैं प्राइमरी ओके प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं कुछ ले रहे हैं तो या फिर हम इनको बोलते हैं हर्बीवोर्स हर्बीवोर्स यानी जो प्लांट्स पे फीड करते हैं जिस तरह से आपका काऊ आ गया रैबिट आ गया ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं पहले कंज्यूमर्स हैं और इनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीड पे आप देखिए सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्योंकि प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही हैं फर्स्ट लेवल पे, जो कि प्रोड्यूजर्स हैं आगे सारे कंज्यूमर्स हैं पहले कंज्यूमर दूसरा कंज्यूमर तीसरा कंज्यूमर तो पहले को हम प्राइमरी कंज्यूमर बोल रहे हैं दूसरा है तो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी स्मॉल कार्निवोर्स जो कि आप कह सकते हैं लिविंग थिंग्स पे फीड करते हैं जो मीट खाते हैं तो वो आ गए आपके कार्निवोर्स यानी आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए, ओके? और उसके बाद आपका क्या आता है टर्शरी कंज्यूमर्स, तो यहां पे सेकेंडरी में देखिए सपोज यहां पे स्नेक का एग्जाम्पल दिया है, कि स्नेक आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है और सबसे ऊपर क्या आ गए आपके टर्शरी कंज्यूमर्स टर्शरी कंज्यूमर्स यानी लार्ज कार्निवोर्स जैसे कि यहां पे आपका इस पर आपका टाइगर भी आ सकता है एग्जाम्पल में आपका लायन भी आ सकता है यहाँ पे ये क्या है टर्शरी में क्या दिखा रखा है यहाँ पे हॉक दिखा रखा है ओके हॉक हो गया ईगल्स हो गए ये आपके टर्शरी कंज्यूमर्स हैं तो एनर्जी का फ्लो हम जिसकी बात करें दैट फ्लो ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर यहाँ पे प्रोड्यूसर प्लांट दिखाया है और ये एनिमल ये जो बर्ड है ये हॉक है सपोज हॉक जो है ये आपका टॉप कंज्यूमर uh, यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर दिखाया है तो यहाँ से एनर्जी कैसे जा रही है इस डायरेक्शन में तो ये तभी इसको क्या कहा गया है यूनी डायरेक्शनल एक और टेन परसेंट लॉ होता है कि इस लेवल से इस लेवल पे टेन परसेंट एनर्जी ही जाती है बाकी एज हीट आपके वापस एटमोसफेयर में चली जाती है तो टेन परसेंट लॉ भी आप याद रखिए कि दस परसेंट एनर्जी ही जाती है लेकिन टेन परसेंट लॉ और डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी हम एनर्जी फ्लो पे और फूड चेंज पे फोकस करते हैं ओके okay, अब देखिए एनर्जी फ्लो जो है ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है और ये सभी इकोसिस्टम्स में होता है सभी इकोसिस्टम्स यानी चाहे वो आपका इक्वेटिक इकोसिस्टम है या टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है एनर्जी बचपन से डेफ़िनेशन पढ़ते आ रहे हैं इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क कितनी कैपेसिटी है काम करने की द मूवमेंट ऑफ़ एनर्जी थ्रू सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इको सिस्टम इज़ कॉल्ड एनर्जी फ्लो किस सीरीज किस ऑर्गेनिज्म के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म है किस सीरीज़ में ये एनर्जी फ्लो कर रही है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इसको हम एनर्जी फ़्लो बोलते हैं इको सिस्टम में अब देखिए जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको क्या चाहिए एनर्जी चाहिए और ये सब एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है केमिकल एनर्जी और फूड यानी जो वो खाना खाता है फिर आपके पेट में जाके मेटाबॉलिज्म होगा राइट तो ये ये सारी केमिकल रिएक्शंस आपके उस फूड के होंगे जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं वहाँ से ही एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिजम्स को मिलती है ये जो केमिकल एनर्जी है ये बेसिकली सबसे पहले एनर्जी का सोर्स क्या है सन रेडिएंट एनर्जी कहाँ से आ रही है सन से सन से जितना आपका रेडियंट एनर्जी आता है सबसे पहले वो किसको मिलता है प्लांट्स को प्लांट्स आपके तभी प्रोड्यूसर्स हैं वो इस एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं फिर आप देखते हैं कि उनको नेक्स्ट कोई हरबी खा रहा है तो अल्टीमेटली अगर आप ये पूरी एनर्जी का सोर्स देखें तो क्या है सन एग्जैक्टली exactly. सन प्लांट से कुछ खाना मिल रहा है फिर वो हर्बी खा रहे हैं हर्बी को अगर आगे कोई और एनिमल खा रहा है सपोज लायन या टाइगर इस पर फीड कर रहा है लेकिन आप देखें अल्टीमेटली ये एनर्जी सन से आ रही है केमिकल एनर्जी डेफिनेटली फूड से कन्वर्ट हो रही है लेकिन वैसे एनर्जी का सोर्स क्या है सिर्फ सन अल्टीमेटली वो आगे आगे पास होके जा रही है अब देखिए ऑर्गेनिजम्स जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो प्रोड्यूसर्स होते हैं या तो कंज्यूमर्स होते हैं अगर हम एनर्जी फ्लो की टर्म्स में बात करें कि इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो में या तो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर हो सकता है या तो कंज्यूमर हो सकता है इसके सिवाय कोई और टर्म नहीं है तो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहा है या उसको कहीं और से कंज्यूम कर रहा है अब प्लांट्स मैंने आपको कहा क्या है प्रोड्यूसर्स वो एनर्जी सनलाइट से लेते हैं और उसको ऑर्गेनिक मटीरियल में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फोटोसिंथसिस तो प्रोड्यूसर्स आगे फिर कंज्यूमर्स उन पर फीड करते हैं ओके okay, अब देखिए फर्स्ट लेवल पे आपके प्रोड्यूसर्स आएंगे ट्रॉफिक लेवल वर्ड मैंने यूज किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रॉफिक लेवल पे क्या आते हैं आपके प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर्स को हम और एक और वर्ड बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स ओके ऑटोट्रॉफ्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस से ट्रॉफिक लेवल टू पे आते हैं हर सपोज जैसे डियर हो गया रैबिट हो गया काव हो गई ये प्लांट मटेरियल को कंज्यूम करते हैं जो प्लांट्स ने बनाया उसको कंज्यूम करेंगे तो वो हर्बी लेवल टू ट्रॉफिक लेवल थ्री पे आपके कार्निवर्स आ गए वो भी क्या करते हैं प्लांट मटीरियल को खाते हैं या फिर इन पे जो डिपेंडेंट हैं उनको खाते हैं राइट और प्लांट मटेरियल नहीं खाते कार्निवर्स जो है वो इन हर्बीवोर्स को खाएंगे जो इस लेवल पे ऑर्गेनिजम्स होंगे ओके फिर आपके आगे लार्ज कार्निवर्स या ओमनिवोर्स ये स्मॉलर एनिमल्स को खाएंगे ओके okay? वो ट्रॉफिक लेवल फोर पे आ गए ओमनीवोर्स आपका प्लांट बेस्ड डाइट भी खाएंगे आपकी एनिमल बेस्ड डाइट भी लेंगे तो वो आपके आ गए ओमनिवर्स या फिर लार्ज कार्निवर्स कार्निवर्स ऑब्वियसली आपका एनिमल बेस्ड डाइट ही लेंगे तो ये सब आपके ट्रॉफिक लेवल्स आ गए तो आप यहां से जान गए किस तरह से प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ्स और फिर आपके बाकी सारे हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं ये रहते हैं और किस किस लेवल पे रहते हैं अब फर्स्ट लेवल पे प्लांट्स हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स सेकेंड लेवल पे अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ हर्बीव हैं इनको एनर्जी मिलती है प्लांट्स से फिर ये अपनी मेटाबॉलिक फंक्शनिंग उसी एनर्जी से करते हैं चाहे वो ब्रीथ कर रहे हैं या फूड डाइजेशन हो रहा है उसी एनर्जी का काम है नेक्स्ट पे कार्निवोर्स आ गए कार्निवोर्स अल्टीमेटली सीधी बात है इन हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं ठीक है जैसे ऑटोट्रॉफ्स मैंने कहा ये अपना खाना खुद बनाते हैं दे आर प्रोड्यूसर्स यहाँ पे एक और टर्म लिख लीजिए हेट्रोट्रॉफ्स हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी एनर्जी एबायोटिक सोर्सेस से प्लांट्स की तरह यूज नहीं कर सकते इसलिए वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं और एक और वर्ड आता है आपके डीकम्पोजर्स जो डीकम्पोजर्स ये क्या करते हैं जो डेड मटेरियल होता है उस पर फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मटीरियल पे देखिए डिकम्पोजर्स का रोल कहाँ पे आता है कि जितने भी आपके आप देखेंगे ऑर्गेनिजम्स हैं लास्ट में सब मर जाते हैं और फिर उन पर एनिमल्स की बात करें बाकी डिकम्पोजर्स फीड करेंगे वो फीड करेंगे तो क्या होगा बहुत सारे मिनरल्स निकलेंगे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे वो फिर से सॉइल में चले जाएंगे तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है नॉर्मल फूड चेन आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फूड चेन फूड वेब क्योंकि एनर्जी फ्लो इन्हीं के थ्रू होती है तो फूड चेन में बी डिफाइंड एज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू अ सक्सेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो जिस तरह से मैंने आपको दिखाया ये लेवल्स हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में और ये प्रोसेस इंक्रीज रिपीट होती है तो इसको क्या बोलते हैं रिपीटेड प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बींग ईटन पहले वो कुछ और खा रहे हैं और फिर उनको कोई और खा रहा है दैट इज ईटिंग एंड बींग ईटन तो ये डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा ये मेन्स में भी काम आएगी लिखने के लिए कहीं ना कहीं फूड वेब अब फूड चेन चेन आप देखिए ऐसे लीनियर होता है कुछ भी चेन जैसे लीनियर होती है इसलिए उसको चेन कहा जाता है इसलिए फूड चेन यानी एक डायरेक्शन फूड वेब और फूड चेन में क्या फ़र्क है अब नेचर में सिर्फ एक फूड चेन तो होगी नहीं सपोज ग्रास है ग्रास को डियर खा रहा है अब इस डियर को लायन भी खा सकता है इसको टाइगर भी खा सकता है तो यानी नेचर में एक फूड चेन नहीं बल्कि कई तरह की फूड चेन्स रहती हैं दीज फूड चेन्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट हैं। ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनिज्म ऑन वन फूड चेन कैन बी ईटन बाय सेवरल अदर क्रिएचर्स जैसे मैंने बोला इस डियर है इसको चाहे टाइगर खाए या लायन खाए तो इसको कोई और क्रिएचर भी खा सकता है ऑल्सो बिगर कार्नीवोर्स नीड नॉट ऑलवेज कंज्यूम अ कारनीवोर वन स्टेप लेसर इन फूड चेन तो ऐसा नहीं है कि एक जैसे ये लेवल है कि ये जो कार्नीवोर है सपोज़ uh, यहाँ पे लार्ज कार्नीवर्स की बात कर रहे हैं कि लार्ज कार्नीवर जो ट्रॉफिक लेवल थ्री पे एनिमल होगा उसी को खाएगा ज़रूरी नहीं है ये डायरेक्टली ट्रॉफिक लेवल टू जो है वहाँ से भी एनिमल को खा सकता है यहाँ से फीड कर रहा है या इस पर फीड कर रहा है तो ये चीज़ रहती है दे में डायरेक्टली कंज्यूम हर भी वोर सो ये एक कम्प्लेक्स फूड वेब बन जाता है आगे मैं पिक्चर में दिखाऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा जरूरी नहीं है कि लीनियर चेंज रहेंगे पिक्चर में देखेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा नॉर्मल देखिए फूड चेन ये प्रोड्यूसर है फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर है हर भी वोर है जैसे सपोज ग्रास ऊपर है फिर ओमनी है ओमनी सॉरी यहाँ पे वैसे आपका कार्नी पहले आना चाहिए पहले इस लेवल पे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स में यूजली कार्नी रहते हैं फिर कार्नी वोर्स, फिर ओ, कार्नी वोर्स लास्ट में आपके ओमनी भी आते हैं ओके इसको यहाँ से काट लीजिए लेकिन ओमनी भी हो सकता है सेकेंडरी कंज्यूमर में बट यूजली हम उनको टर्शरी कंज्यूमर्स में ही लेते हैं फूड वेब देखिए अब देखिए ये बहुत अलग अलग तरह का जैसे मैंने कहा था कि एक फूड चेन है इसमें क्या है कॉर्न है कॉर्न को ग्रास ऊपर खा रहा है और ग्रास ऊपर को फ्रॉक खा रहा है ये एक फूड चेन आ गई ओके अब यहाँ से लेवेंडर्स है या फ्लोरिंग प्लांट है इस पर बटरफ्लाई फीड कर रही है और इस पर ड्रैगन फ्लाई फीड कर रही है एक अलग फूड चेन है फिर यहाँ पे मैंगोज पे देखो मैंगोज को फ्रूट फ्लाई फीड कर रही है उस पर ड्रैगन फ्लाई फीड कर रही है देखिए ये इंटरलिंक हो रही है ये इधर वाली फूड चेन में भी एंटर कर रही है इधर वाली फूड चेन में भी एंटर कर रही है और ये जो बर्ड है ये इधर भी एंटर कर रहा है इधर भी एंटर कर रहा है तो आप देख सकते हैं किस तरह से या यहाँ पे देख लीजिए कौन है ग्रास ऊपर है इस ग्रास ऊपर को फ्रॉग भी खा सकता है रैट भी खा सकता है फिर अल्टीमेटली इस रैट को स्नेक भी खा सकता है या फिर डायरेक्टली वुल्फ खा सकता है या ईगल भी खा सकता है तो ये फूड वेब है जहाँ पे बहुत सारी फूड चेन्स हैं बहुत सारी फूड चेन्स हैं और वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं तो इसको हम बोलेंगे फूड वेब तो अल्टीमेटली एनर्जी फ्लो इस तरह से फूड वेब में करती है फिर से ट्रॉफिक लेवल्स पे आते हैं हम ट्रॉफिक लेवल ऑटोट्रॉफ्स में याद रखिए ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हेट्रोड्रॉफ्ट जो वर्ड मैंने यूज़ किया था अगर हर भी वो हैट्रोड्रॉफ है तो वो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है हेट्रोट्राफ्ट कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर है कार्निवोर कार कंज्यूमर टर्शरी और हेट्रोट्रॉफ टॉप कॉर्नीवर्स ये आपके लार्ज कॉर्नीवर्स आ गए लायन टाइगर जैसे ये आपके कॉटनरी कंज्यूमर्स और ये आपका आ गया टेन परसेंट लॉ कि मैंने क्या कहा था सिर्फ टेन परसेंट एनर्जी आपकी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाती है तो ये एनर्जी पिरामिड है बेसिकली देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स 100 परसेंट एनर्जी है प्राइमरी कंज्यूमर्स में कितनी मिलेगी उनको ओनली टेन परसेंट बाकी जितनी भी है 90 परसेंट वो हीट के फॉर्म में चली जाएगी वापस बाहर लॉस्ट फिर सेकेंडरी को वन मिल रही है फिर थर्ड लेवल पर आप देखें पॉइंट और देन बिल्कुल जीरो लास्ट एपेक्स टॉप पे और यहाँ पे आप डीकम्पोजर्स देख सकते हैं अब डिकम्पोजर्स प्लांट्स पे भी फ़ीड करते हैं प्लांट्स पे फीड क्यों करते हैं कोई प्लांट है वो मर गया आ, उस गिर गया ज़मीन पे तो वो सड़ जाएगा तो अल्टीमेटली जितने बैक्टीरिया फनजाए हैं डीकम्पोज करेंगे उसको उससे जो न्यूट्रींट्स निकलेंगे वो सॉइल में जाएंगे चाहे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है सपोज डियर है कहीं पे वो मर गया उसका डेड रिमेन्स वहीं रह गए तो डिकम्पोजर्स उस पर फीड करेंगे तो हर लेवल पे डिकम्पोजर आपको दिखेंगे तो अल्टीमेटली जो सन एनर्जी है वो सन की यहां से आ रही है अब थोड़ा सा फूड चेन को डिटेल में पढ़ते हैं अब देखिए फूड चेन ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी पहले भी डेफिनेशन पढ़ा ग्रीन प्लांट्स से जिस तरह से एनर्जी प्रोड्यूसर्स की एक सीरीज में निकलती है यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ग्रासेस हैं उसको ग्रास ऊपर खा रहा है उसको फ्रॉग खा रहा है उसको स्नेक खा रहा है और स्नेक को अल्टीमेटली हॉक या ईगल खा रहा है ये नॉर्मल फूड चेन आगे जो हमने पहले भी डिस्कस की अब फूड चेन आगे दो तरह की हम पढ़ेंगे एक आती है आपकी ग्रेजिंग फूड चेन एक आती है आपकी डिट्राइटस फूड चेन तो दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं जैसे फर्स्ट लेवल पे आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं नेक्स्ट पे कंज्यूमर शुरू होते हैं तो जो कंज्यूमर्स हैं ये फूड चेन कहाँ से शुरू होती है प्लांट से याद रखिए ग्रेजिंग फूड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है प्लांट तो ये प्लांट पे खाएंगे सबसे पहले तो वो आपकी ग्रेजिंग फूड चेन हो गई तो जितनी आपकी टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स हैं उसमें आप देखेंगे जितने वुडी प्लांट्स हैं वो सब आपके फर्स्ट लेवल पे आएंगे इस तरह से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एक्वाटिक एरिया में आप देखेंगे तो आपके फाइटो प्लांटॉन्स हैं वो आएंगे ओके okay, सिंपल ही रखते हैं इस चीज को आगे डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग में क्या फर्क है डेट्राइटस फूड चेन शुरू होती है आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर से यानी जो एनिमल्स या प्लांट बॉडीज जो हैं वो मर गए हैं डे हो रहे हैं और अब उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा रहे हैं एंड देन टू डेट्राइटस फीडिंग ऑर्गेनिजम्स डेटरी वोर्स और डीकम्पोजर जिनको हम बोलते हैं राइट right? या फिर बाकी प्रिडेटर्स कई बार आपने देखा होगा हॉक या ईगल भी आ, या वल्चर्स स्पेशली वल्चर्स ले लीजिए वल्चर जो हैं वो डेड रिमेन जो होते हैं उन पे फीड करते हैं राइट right? तो उस तरह की फूड चेन को क्या बोलेंगे डेट्राइटस फूड चेन यहाँ पे देखती है देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन क्या है ये टेरिस्टियल दी हुई है लैंड पे जो फूड चेन है ये पानी की दी हुई है यहाँ पे प्लांट है इस पर कैटरपिलर फीड कर रहा है प्राइमरी कंज्यूमर लिजर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर लिजर्ड को अल्टीमेटली स्नेक खा रहा है और इसी तरह से पानी में क्या होगा फाइटो प्लांगटॉन्स होंगे फाइटो प्लांग हम किसको बोलते हैं जो प्लांट्स आपके पानी में पाए जाते हैं जू प्लांगटॉन जो एनिमल्स आपके पानी में पाए जाते हैं वो इन पे फीड करेंगे फिर हेट्रोट्रॉप्स फिश इन छोटे छोटे एनिमल्स को खाएगी फिर पेलिकन है या वेल आ गया कोई भी वो फिशेस को खाएगी तो ये आपकी सीधी लीनियर ग्रेजिंग फूड चेन है जो कि कहाँ से शुरू हुई एक ही पॉइंट है पहला पॉइंट देखिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्या है प्लांट्स तो वो आपके ग्रेजिंग फूड चेन है डिट्राइटिस फूड चेन में क्या हो गया लिटर कि कहीं पर कोई डेड रिमेन्स पड़े हैं उस पर या गंद कचरा पड़ा है तो अर्थ फॉर्म्स लिविंग होगा ऑर्गेनिक मैटर होगा ऑब्वियसली उस पर अर्थवर्म्स फीड करेंगे वो चिकन उसको खाएगा और हॉक इसको खाएगा टेट्राइटस में डेड लीव्स हो गए देखिए यहाँ पे डेड लीव्स भी हो सकते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स भी हो सकते हैं तो इस तरह से जो डेड रिमेन्स से शुरू होगा चाहे वो डेड लीव्स हों या डेड एनिमल्स हों उसको टेट्राइटस फूड चेन कहेंगे तो ये ज़रूर याद रखिएगा अब थोड़ा सा फ़ूड वेब को वापस से देखते हैं और डिटेल में फ़ूड वेब क्या है मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स जो है मैंने आपको बताया फूड वेब बनाती हैं फूड वेब रिप्रेजेंट्स पॉसिबल पाथवेज़ ऑफ एनर्जी फ्लो जैसे हमने पीछे पिक्चर में देखा इफ़ एनी ऑफ द इंटरमीडिएट फूड चेन इज़ रिमूव्ड द सक्सीडिंग लिंक्स ऑफ द चेन विल बी इफेक्टेड लार्जली तभी बायोडाइवर्सिटी कैसे इफेक्ट होती है हम कहते हैं कि अगर हमको टाइगर रिजर्व बनाना है टाइगर्स को सेव करना है तो टाइगर्स को सेव करने के साथ साथ उस एरिया के जो जिस पे टाइगर फीड करता है उस प्रे को भी सेव करना होगा वरना टाइगर किस पे पे फ़ीड करेगा अगर इस प्रे को सेव करना है इसको बचाना है तो वहाँ का जो वेजिटेशन है वो भी सेव करना होगा क्योंकि ये प्रे कुछ स्पेसिफिक वेजिटेशन खाता होगा टाइगर इस प्रे को खाता है तो अल्टीमेटली हर चीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है टाइगर्स को सेव करना है तो सिर्फ टाइगर्स को बचा के नहीं रखना है जिन रिजर्व्स में उनको रख रहे हैं वहाँ का पूरे बायोडावर्सिटी का ख्याल रखना है क्योंकि ये जो फूड चेन्स हैं ये जो फूड वेब्स हैं अगर इनमें से एक भी लिंक हम निकाल देते हैं तो जो नेक्स्ट एनिमल है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट अब देखिए द फूड वेब प्रोवाइड्स मोर देन वन ऑल्टरनेटिव फॉर फूड टू मोस्ट ऑफ़ द ऑर्गेनिजम्स एंड इन एन इको सिस्टम फॉर इंक्रीज देयर चांस ऑफ सर्वाइवल क्योंकि फूड वेब में क्या होगा कि सपोज uh, टाइगर है अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे कि वो डियर पे फीड करे वो रैबिट पे फीड करे या किसी और एनिमल पे फीड करे तो इस वजह से उनका सर्वाइवल का चांस ज़्यादा बना रहता है तो ये चीज़ हमें फूड वेब में देखने को मिलती है अगेन ये पिक्चर है फूड वेब की किस तरह से ये छोटे लेवल पे प्रिडेटर्स हैं इनको किस तरह से आगे नेक्स्ट ऑर्गेनिज़म्स खा रहे हैं तो इस तरह से ये फूड वेब चलता है एनर्जी फ्लो होती है अब नेक्स्ट इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं बायोटेक इंटरेक्शन कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह का रिश्ता है जिसको हम बायोटेक इंटरेक्शन बोलते हैं द इंटरेक्शन दैट अकर्स अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज इज़ कॉल्ड इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन अब मैंने आपको Uh, एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट करके एक वीडियो बनाया है इन्वायरमेंट सीरीज में ही वहाँ पे मैंने बताया कि इंडिविजुअल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की इंडिविजुअल्स मिलके क्या बनाते हैं पॉपुलेशन बनाते हैं पॉपुलेशन इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाती है कम्युनिटी मिलके क्या बनाता है तो ये सब आपको याद रखना है इंडिविजुअल्स और स्पीशीज़ की डेफिनेशन क्या है ओके okay. जो आपस में मेट कर सकते हैं इंटरब्रीड कर सकते हैं जीन्स एक्सचेंज कर सकते हैं तो इस तरह का इंटरेक्शन डिफरेंट देखिए क्या लिखा है डिफरेंट इंडिविजुअल क्योंकि अगर एक पॉपुलेशन है इंडिविजुअल तो उसमें हर एक अलग है हर एक आदमी हर एक एनिमल अलग है तो डिफरेंट इंडिविजुअल लेकिन ऑफ सेम स्पीशीज स्पीशीज सेम है अगर वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शन लेकिन इंटरैक्शन अमंग इंडिविजुअल्स लेकिन डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इन अ कॉम्यूनिटी इज टर्म्ड एज़ इंटर स्पेसिफिक इंटरक्शन अब देखिए आपने वो वीडियो देखा है तो ये डेफिनेशन आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल लगेगी आप एकदम समझ जाएंगे लेकिन वो वीडियो नहीं देखा तो आपको यहाँ पर इंट्रास्पेसिफिक सेम स्पीशी है या डिफरेंट स्पीशीज़ है तो आप भूल सकते हैं तो याद रखिए फिर से समझा देती हूँ इसको और ईजी करके जैसे डियर और एक और डियर है ये डियर ए है ये डियर बी है इसका मतलब ये दो इंडिविजुअल हैं डिफरेंट इंडिविजुअल हैं क्योंकि ये ए है और ये बी है लेकिन ये स्पीशीज सेम है इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है इसको स्पेसिफिक बोलेंगे लेकिन यहाँ पे डियर है और यहाँ पे रैबिट है जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ ये भी दो इंडिविजुअल्स हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं लेकिन इनकी स्पीशीज भी अलग है ओके okay. इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है इसको बोलेंगे इंटरस्पेसिफिक ओके इन अ कॉम्युनिटी कॉम्युनिटी क्या होती है जिसमें अलग अलग पॉपुलेशन होती है डियर की भी पॉपुलेशन है रैबिट की भी पॉपुलेशन है बाकी लायन की भी पॉपुलेशन है वो कॉम्युनिटी हो गई तो आई होप अब आपको ये डेफिनेशन ईजी लगी होगी अब हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंट तरह की बायोटिक इंटरैक्शन किस तरह की होती हैं ओके okay. अब देखिए ये जो बायोटिक इंटरेक्शन हैं ये पॉजिटिव भी होती हैं ये नेगेटिव भी होती हैं तो एक एक करके डिस्कस करते हैं पहले म्यूचुअलिज्म क्या होता है दिस इज़ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज इन विच बोथ स्पीशीज बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर यानी क्लोज एसोसिएशन है फ्रेंडशिप ही समझ ले लीजिए दो स्पीशीज़ के बीच में अब बार बार अब देखिए सीरीज में ये कॉन्सेप्ट्स में बता चुकी हूँ स्पीशीज़ क्या होता है हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे दो स्पीशीज़ के बीच में क्लोज एसोसिएशन जिसमें दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है उसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका सी एनिमोन होता है अ नाइडेरियन है ये गेट्स अटैच टू द शेल ऑफ हर्मिट क्रैब्स ये जो सी एनिमोन है ये क्रैब जो आपका हर्मिट क्रैब है उसकी शेल के साथ जाके अटैच हो जाता है क्यों अटैच होता है फॉर बेनिफिट ऑफ ट्रांसपोर्ट कि भाई हर्मिट जो है वो जहाँ जहाँ जा जाएगा वहाँ वहाँ मैं भी जाऊँगा एंड ऑप्टेनिंग न्यू फूड और उसको न्यान -न्या खाना मिलेगा वाई एनीमोन प्रोवाइड्स केमोफ्लाज एंड प्रोटेक्शन बाई मीन ऑफ इट स्टिंगिंग सेल्स टू हरमिट क्रैप और हरमिट क्रैप को क्या फायदा होता है camouflage. कि hermit crab को, को कोई और ना खा जाए उसको इस सी एनीमोन से केमोफ्लाज उसका कलर चेंज हो जाएगा उसको ये बेनिफिट होगा कि दोनों को एक दूसरे के साथ रहने में क्या हो रहा है बेनिफिट इसको हम क्या बोलते हैं म्यूचुअलिज्म और आप बोलेंगे कि इसी से एक और वर्ड होता है सिम्बायोसिस अब कुछ इस तरह का रिलेशनशिप दो स्पीशीज़ के बीच में कई बार बन जाता है कि दोनों फिर एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते अगर जैसे सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब के केस में क्या है हर्मिट क्रैब है और सी एनिमोन है दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे की संगत से अगर ये अलग भी हो जाएंगे तो भी सर्वाइव कर जाएंगे लेकिन कई बार म्यूचुअलिज्म में दो स्पीशीज़ इतने क्लोज हो जाते हैं कि एक दूसरे के बिना उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सम्बायोसिस फॉर एग्जाम्पल ये किसके केस में होता है जो आपके कोरल्स होते हैं और जू जेंथला ये इंटेंस म्यूचुअल म्यूचुअलिज्म है कि ये नहीं होगा तो कोरल नहीं होंगे ये नहीं, हो, corals नहीं होंगे तो जूज एंथला की पॉपुलेशन में फर्क पड़ेगा तो मैंने एक वीडियो बताई थी वाई कोरल्स आर डाइंग वहां पे बहुत डिटेल में बताया था कि ऐसा क्यों होता है तो अभी फिलहाल आप ये याद रखिए कि सिम्बाइसिस क्या है इंटेंस म्यूचुअलिज्म नेक्स्ट आ गया न्यूट्रलिज्म न्यूट्रोलिज्म भी आपका अब म्यूचुअलिज्म क्या है ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है क्योंकि देखिए दोनों को बेनिफिट हो रहा है किसी को नुकसान नहीं हो रहा न्यूट्रलिज्म भी आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन है न्यूट्रलिज्म डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज़ विच डू इंटरेक्ट बट डू नॉट इफेक्ट इजर कि दो स्पीशीज़ आपस में इंटरेक्ट करते हैं लेकिन वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करते अब इस तरह का ट्रू पूरे सही सेंस में आइडियल न्यूट्रलिज्म का एग्जाम्पल देना या उसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कहीं ना कहीं इफेक्ट uh, जो होता है वो हो ही जाता है बट हम न्यूट्रलिज्म को कंसिडर uh, करते हैं पूरे तरीके से न्यूट्रल इंटरेक्शन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बट बायोलॉजी में हम कभी कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं कहते क्योंकि इसको प्रूव करना बस थोड़ा मुश्किल है ओके okay, ये न्यूट्रल इंटरेक्शन है आपका पॉजिटिव uh, नहीं बोलेंगे इसको आप न्यूट्रल इंटरेक्शन में ही रखिए पॉजिटिव में बेसिकली आपके दो आते हैं लेकिन मैंने थोड़ा स्लाइड इनकी अलग अलग कर दी है एक तो आगे आपका म्यूचुअलिज्म जो हमने अभी पढ़ा पॉजिटिव इंटरेक्शन में एक और आता है वो है आता है कमेंसलिज्म ये हम लास्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि कमेंसलिज्म क्या होता है एनी anyway, वे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं पहले उससे पहले एमेंसलिज्म पढ़ते हैं अब ये जो एमेंसलिज्म है ये नेगेटिव इंटरेक्शन है अभी हम जितनी पढ़ेंगे हम पहले नेगेटिव इंटरैक्शंस पढ़ते हैं वन स्पीशीज हार्म्स और रिस्ट्रिक्ट द अदर स्पीशीज इसमें भी दो स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल हैं वो आपस में इंटरक्ट करेंगे ए और बी लेकिन एक दूसरे को एक स्पीशीज को नुकसान होगा या कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी वन स्पीशीज हार्म और रिस्ट्रिक्ट द अदर स्पीशीज विदाउट इट्सल्फ बिंग एडवर्सली इफेक्टेड और हार्म बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज ओके एक स्पीशीज को इफेक्ट पड़ रहा है और जो दूसरा है वो इतना चालाक है खुद को फर्क नहीं पड़ने दे रहा लेकिन दूसरे को कहीं ना कहीं कोई नुकसान पहुंचा रहा है ऑर्गेनिजम्स दैट सीक्रीट एंटीबायोटिक्स एंड द स्पीशीज दैट गेट इनहिबिटेड बाय द एंटीबायोटिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ Emensalism. कि दो इस तरह के स्पीशीज आपस में होंगे कि एक स्पीशीज क्या सीक्रेट कर रहा है एंटीबायोटिक उसकी मदद से इससे दूसरी की जो ग्रोथ है उस पर फर्क पड़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे एग्जाम्पल है इसकी ब्रेड मोल मोल्ड फंजाई अब देखिए पेंसिलिन क्या होता है पेंसिलिन क्या करता है प्रोड्यूस करता है पेंसिलिन पेंसिलियम जो है आपका वो पेंसिलिन प्रोड्यूस करता है ये एक एंटीबायोटिक सब्सटेंस है जो कि बहुत सारे बाकी बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोकता है अब कहीं पे भी पेंसिलियम है वो वहां पे पेंसिलिन कर रहा है तो वहां पे बाकी के बैक्टीरिया नहीं रह पाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे एमेंसलिज्म अब बड़े बड़े जंगलों में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा पेड़ है अब यहाँ पे एसोसिएशन नहीं है लेकिन ना चाह के भी यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है इन दोनों केसेस में अब ये बहुत बड़ा पेड़ है तो इसकी बहुत सारी शेडो जो है वो जमीन पे पड़ेगी अदरवाइज़ ज़मीन पे छोटे छोटे प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं राइट छोटे छोटे पेड़ पौधे लेकिन इसकी शेड में ये पेड़ पौधे यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको भी सनलाइट चाहिए लेकिन इसकी इतनी शेड है कि इनको ग्रो नहीं करने दे रहा तो ये भी क्या एग्जाम्पल हो गई आपकी एमेंसलिज्म की लेकिन उल्टा इफ़ेक्ट आप देखिए कि स्मॉल प्लांट से इस बड़े पेड़ को कोई नुकसान नहीं हो रहा इन बैक्टीरिया से पेंसिलियम को कोई नुकसान नहीं हो रहा तो अब आई होप कि आपको एमेंसिलिज्म समझ में आ गया हो नेक्स्ट प्रिडेशन ये भी आपका नेगेटिव इंटरे है प्रिडेटर्स क्या हो गए जो दूसरे पे फीड करते हैं शिकार करते हैं जैसे लेपर्ड्स हो गए टाइगर्स हो गए चीताज आ गए इनके पास स्पीड है इनके दांत तेज हैं क्लॉज हैं हंट और अपने प्रे को एकदम से मार देते हैं दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल तो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में भी रखते हैं लेकिन प्रिडेटर्स जो हैं बट फॉर प्रीडेटर्स प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड कॉज इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी तो अदरवाइज प्रिडेटर्स का क्या नुकसान होता है और uh, स्पीशीज़ का बाकी बायोडाइवर्सिटी को क्या नुकसान होता है अगर प्रिडेशन ना हो टाइगर्स लेपर्ड्स चीताज लायंस इन पे फीड ना करें तो इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और ये पूरे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा नेक्स्ट है पैरासिटिज्म इस तरह के इंटरेक्शन में क्या होता है एक स्पीशीज को नुकसान होता है दूसरी को बेनिफिट होता है पैरासिटिज्म इनवॉल्व पैरासाइट अ स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म लिविंग इन और

ओके okay, ये उस पर पे पैरासाइट बन जाता है इसकी हर चीज़ को यूज़ करेगा होस्ट की उस पर फीड करेगा लेकिन इसको नुकसान होगा क्योंकि इसको कोई बेनिफिट पैरासाइट से नहीं हो रहा और पैरासाइट उस पर ग्रो करेगा अपनी नरिशमेंट और शेल्टर जो है उससे लेगा अब पैरासिटिज्म की एग्जाम्पल देखिए नॉर्मल मलेरियल पैरासाइट वो भी एक पैरासाइट है सबसे बड़ी एग्जाम्पल आजकल आपका कोरोना वायरस वायरसेस जितने हैं ये पैरासाइट्स हैं और ये किसके पैरासाइट्स हैं ये सब ह्यूमंस के पैरासाइट ओके okay, इस तरह से बाकी एग्जांपल्स भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अब कंपटीशन ये भी नेगेटिव इंटरेक्शन है पैरासिटिज्म भी नेगेटिव इंटरेक्शन है दिस इज एन इंटरैक्शन बिटवीन टू पॉपुलेशन दो पॉपुलेशन के बीच की इंटरेक्शन है जहाँ इन विच बोथ द स्पीशीज आर हार्म टू सम एक्सटेंट दोनों ही स्पीशीज को यहाँ पे नुकसान पहुँचता है कॉम्पिटेशन अकर्स टू पॉपुलेशन और स्पीशीज बोथ नीड अ वाइटल रिसोर्स दैट इज इन शॉर्ट सप्लाई कि दोनों पॉपुलेशन एक ही रिसोर्स पे डिपेंड करती हैं जो कि कम है जो कि इन्वायरमेंट में कम प्रेजेंट है तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा कि कौन पहले जाके खाएगा तो इसमें दोनों पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं नुकसान रहता है नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कमेंसलिज्म इस रिलेशनशिप में क्या है ये मैंने आपको कहा था कि पॉजिटिव है इन दिस रिलेशनशिप वन ऑफ द स्पीशीज बेनिफिट वाइल द अदर इज नीदर हार्म नॉर बेनिफिट तो इसमें दो जो है स्पीशीज वापस में उनका एसोसिएशन रहता है एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है और दूसरे को ना ही बेनिफिट होता है ना ही नुकसान होता है ओके सो सम स्पीशीज ऑपटेन द बेनिफिट ऑफ शेल्टर और सपोर्ट फ्रॉम अनादर स्पीशीज फॉर एग्जांपल सकर फिश का एग्जांपल दिया है सकरफिश रिमोरा ऑफन एन अटैच टू शार्क बाई मीन्स ऑफ इट सकर जो सकर फिश है शार्क के साथ चिपक जाती है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप साइड ऑफ इट्स हेड उसके सकर के साथ दिस हेल्प्स द रिमोरा गेट प्रोटेक्शन तो रिमोरा को प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन मिलेगी क्योंकि शार्क पे तो कोई अटैक करेगा नहीं और फ्री राइड भी मिल जाएगी खाना भी मिलेगा जो लेफ्ट ओवर शार्क का खाना होगा लेकिन इसमें देखिए शार्क को ना ही कोई बेनिफिट है ना ही कोई इस एसोसिएशन से नुकसान है तो ये भी आपका पॉजिटिव एसोसिएशन है अब यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं विच विद द रेफरेंस टू द फूड चेन 2013 में आया था इन द इको सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग फोइंगइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज डिकम्पोजर्स डीकम्पोजर कौन है वायरस देखिए पैरासाइट है फंजाई बैक्टीरिया तो आप देखेंगे फंजाई बैक्टीरिया दोनों क्या हैं आपके डिकम्पोजर्स हैं ये डीकम्पोज करते हैं तो टू एंड थ्री नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू फूड चेन्स एन इकोसिस्टम कंसीडर फूड चेन द ऑर्डर इन चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर फूड चेन आर फाउंड विद द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज अ फूड चेन द नंबर्स ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म आर ईटन इलेट अदर्स तो आप बताइए इसका राइट right आंसर क्या होगा क्योंकि फूड चेन हम पढ़ बैठे हैं तो यहाँ पे एक ही डेफिनेशन सेट बैठती है फूड चेन क्या बताती है ऑर्डर इन विच चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर यूनिडायरेक्शनल है किस पे कौन सा ऑर्गेनिज्म फीड करता है हाँ लेकिन ऑब्वियसली ये डिपेंड नहीं करता कि जो फूड वेब जैसे होता है फूड वेब की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे फर्स्ट लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म होगा टॉप लेवल पे वह भी वो उसको डायरेक्टली भी खाएगा लेकिन फूड चेन में आप देखेंगे कि एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो है तो कंफ्यूज मत होना तो कि आप सोचेंगे कि टाइगर तो डियर भी खा सकता है रैबिट भी खा सकता है यहाँ पे फूड वेब की नहीं फूड चेन की बात हो रही है राइट तो आंसर क्या है वन ओनली चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं पी जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा थैंक यू सो मच